हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 12th एग्जाम, जो आपके सेंटअप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में, वही सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन, वो भी फुल डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज अ यंग बॉय आई डैश रीड विथआउट ग्लासेस। जब मैं यंग था मैं पढ़ सकता था क्या बिना ग्लास का। अब देखो, जब आप कोई चीज़ पढ़ सकते हो तो ये हमारी एबिलिटी को दर्शाता है, हमारी योग्यता को दर्शाता है। और एबिलिटी को जो वर्ड दर्शाता है उसके लिए हम मॉडल एक्जुलरी कैन का यूज़ करते हैं। और कैन का जो पास्ट होता है, हम यहाँ पर एक्चुअली सेंटेंस में देख रहे हो, आप वाज पास्ट की बात बता रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कुड को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन श्रेया डैश बैक सी विल कुक। अब इस सेंटेंस में इसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जब भी इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, जिसमें आगे वाली जो सेंटेंस यहाँ पे लिखी गई है, जो एक पार्ट इसका सिंपल फ्यूचर होगा जिसमें विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरी वाली जो इसकी जो पार्ट होगी वो होगी आपका V1 या V5 में यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, व्हेन श्रेया डैश बैक, जब श्रेया वापस आएगी सी विल कुक, वह खाना पकाएगी। मतलब ये सिंपल फ्यूचर हो चुका है, मतलब इधर वाला जो आपका जो इफ क्लॉज होगा या आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदरवाइज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इट मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और श्रेया सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, श्रेया कम्स बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ही विल नेवर फॉरगेट इट। इसका आपको पैसिव चूज करना। देखो यहाँ पे पैसिव जब भी बनाते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं, इट जो भी हमारा वर्ब होगा उसको हम यूज करेंगे, इट विल। उसके अलावा हम लोग ये ध्यान रखेंगे जो भी मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें नेवर लगा हुआ है जो कि एक एडवर्ब है, उसका यूज करेंगे। और बिल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसीलिए हम यहां पे बी लगाएंगे, इट विल नेवर बी। फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगॉटेन हो जाएगा, फॉरगॉटेन, इट विल नेवर बी फॉरगॉटेन। किस यहां पे किसके द्वारा है, तो बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, हिज फॉर ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। अब इस तरह के सेंटेंस में हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ही सेड, यहाँ पे सेड है तो सेड तो लिखेंगे ही, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम डाइट का यूज़ करेंगे, और वी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के और चेंज होता, वी प्लूरल है, इसी वजह से हम यहाँ पे दे का यूज़ करेंगे, वी प्लूरल है इसीलिए दे का यूज़ करेंगे। दे हैव का पास्ट हैड लिखेंगे, दे हैड डन, और जब हमने यहाँ पे वी को प्लूरल माना, आवर भी प्लूरल होगा तो आवर इनका जो पॉजिटिव केस होगा वो हमारा देयर हो जाएगा, जो अधिकार बताता है, एंड वर्क का वर्क ही हो जाएगा, ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। क्वेश्चन नंबर फाइव, इसके अलावा व्हाइल सहन वाज डैश इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रैंग। अब देखो, जब भी यहां पे मैंने आपको पहले बताया जब सेंटेंस पास्ट में होगा तो वो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही जाएगा, तो व्हाइल सहन वाज डैश इन बेड, जब सहन बेड पे था लास्ट नाइट कल की रात, हिज फोन रैंग, उसकी फोन बज रही थी। वाज लगा हुआ, इसके आगे मेन वर्ब चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट हम यूज करेंगे जो कि जेरंड फॉर्म होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, यहां पे रीडिंग हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द इंस्पेक्टर वॉज ए विजिलेंट यंग मैन। इंस्पेक्टर एक बहुत ही सतर्क चालाक एक यंग मैन था, तो यहाँ पे विजिलेंट का सिनोनिम्स बताना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इंटेलिजेंट हो जाएगा, इंटेलिजेंट का मतलब तेज होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन में, एम्पायर स्टेट विलियन। अब देखो, मैंने आपने अगर आर्टिकल्स का रूल पढ़ा होगा कभी भी, तो आपको ये ध्यान जरूर होगा कि जब भी कोई इस तरह की हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग होती है, जो ऐतिहासिक इमारतें होती है, उनके नामों के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, और जो कि सिंगल इसमें है, ए एंड कोई यूज़ होगा नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, एंड यहां पे सभी में ऑप्शन नंबर ए है, ये मेरी एरर है, आप इसे मार्क ना करें। यहाँ पे अ एम्पायर एंड एम्पायर रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे एम्पायर वाला भी नहीं राइट होगा, यहाँ पे द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, रोहन इज अनवेल स्टिल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। एक्चुअली इसका ऑप्शन और कोई नहीं, यहाँ पे ये छूट चुका है, मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉम्बिनेशन का सेंटेंस है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो हालांकि, दो का मतलब होता है हालांकि, रोहन इज अनवेल, हालांकि रोहन क्या है, अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, रोहन सही नहीं है, वह फिर भी अनवेल, रोहन इज अनवेल, ही अटेंड्स द ऑफिस, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। आई होप आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, ये तो आप बिल्कुल आपने ये प्रोवर्ब सुन रखा है, प्रैक्टिस मेक्स अ क्या होता है, मैन परफेक्ट, अभ्यास जो है मनुष्य को और भी उस चीज़ में और उपयुक्त बना देती है। स्टे डैश योर लिमिट्स, तुम अपने लिमिट में रहो, अपने बाहर लिमिट से बाहर मत जाओ, स्टे विद इन योर लिमिट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको सही स्पेलिंग यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा RHYRHYTHM। देखो एक्चुअली इसमें मैंने सारा स्पेलिंग मैंने रॉन्ग रख दिया है, इसका ये ऑप्शन नंबर वैसे सी राइट यहाँ पे होता, बट मैं आपको सही करके मैं बता देता हूँ क्या होगा, RHYTHM। यहाँ पे मैंने सारा रॉन्ग ही कर दिया है। रिदम का मतलब होता है ताल, जो ताल वगैरह यूज़ होता है ना ये म्यूज़िक में, वही रिदम है। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है किसी को शिकायत करना या बड़बड़ाना, और शिकायत करने के इंग्लिश टू कंप्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपको एक वर्ड बताना है। यहाँ पे एक वर्ड किसके बारे में, अ पर्सन हु इंटरेस्ट विथआउट एनी इन्विटेशन, एक वैसा व्यक्ति जो बिना किसी के बुलाए अगर कहीं पर चला गया खाने वाने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहते हैं इंट्रूडियर। इंट्रूडियर मतलब जो बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं। सुनीता एंड समीर, देखो सुनीता एंड समीर ये दोनों दो हैं तो प्लूरल हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लूरल भाव वाज आएगा नहीं, हैव भी आ सकता है। सुनीता एंड समर डैश द होस्ट्स ऑफ द पार्टी, सुनीता और समर जो हैं वह इस पार्टी को आयोजन करने वाले हैं, तो यहाँ पे आयोजन करने वाले हैं, तो हैव का तो कोई सेंस नहीं आएगा, आर लिखा नहीं है, इसीलिए वर हो जाएगा, सुनीता एंड समीर वर द होस्ट ऑफ द पार्टी, वह दोनों थे। ओपन द डोर प्लीज़, यहाँ पे आपको जो है ओपन द डोर प्लीज़ में जो है यहाँ पे भी आपको ये ओपन का आपको एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द बताना है। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक, तो ओपन का विपरीतार्थक क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हरी अप द टीचर से टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने कहा जल्दी करो सभी स्टूडेंट से, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू हरी अप, देखो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, क्योंकि देखो टीचर आस्क द, टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स फोर नहीं होगा, यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप कोई सेंटेंस जिसमें ऑर्डर वगैरह देते हो तो उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम यहां पे टू प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं। अगर एक मिनट और, अगर फोर यूज करोगे तो फोर हरी अप नहीं होगा, फोर हरिंग अप होगा, क्योंकि फोर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको इसमें सही इसमें चूज करना है, होपफुली मैंने इसमें सही लिखा हुआ है। कैशियर का CASHIER, डोंट वरी डेस्क की इज इन माई पॉकेट, चिंता मत करो चाबी मेरे जेब में है, तो कोई खास चाबी की बात हो रही इसीलिए द की बात हो जाएगी। कुड यू डैश मी प्लीज, क्या तो आप मेरी मदद करोगे, तो मॉडल एक्जुलरी जो 13 होते हैं, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड, इसके अलावा डू डज डिड, ये सभी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी हेल्प है, तो यहाँ पे राइट आंसर हेल्प हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहां पे आपको सही सेंटेंस को बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। अनीता देसाई रॉट अ गुड नॉवेल, ऑप्शन नंबर यहां पे आपका डी राइट होगा, अनीता देसाई रॉट अ गुड नॉवेल। सर यहां पे रॉट ए बेस्ट नॉवेल क्यों ना, बेस्ट कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, इसीलिए नहीं होगा। अनीता देसाई रिटन, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कभी अकेले यूज नहीं होगी, हैज हैव हैड होना चाहिए। अनीता देसाई राइट्स अ बेस्ट, फिर वही बेस्ट, फिर यहां पे कंपैरेटिव डिग्री है, इसी वजह से ये तीनों रॉन्ग होंगे। हमारा यहां पे राइट आंसर अनीता देसाई वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या आर्टिकल ए किसके लिए, नॉवेल के लिए। कैसी नॉवेल, ये एक एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है। गुड और वेल में अंतर याद रखेंगे, वेल हमेशा जो वेल जो होता है वो एक एडवर्ब की तरह होता है, और गुड जो है आपका एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। नंबर 21, दोस्तों अगर आपको सभी पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। He dash to give you necessary instruction, उसे तुम्हें क्या देना चाहिए, उसे जो भी necessary instruction होता है वह उसे तुम्हें देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो है ना टू लगा हुआ, टू किसके साथ लगता है, तो आउट टू किसके इक्वल होता है, आउट टू शुड के इक्वल होता है या मस्ट के इक्वल होता है। उसे तुम्हें एक महत्वपूर्ण necessary information या instruction देना चाहिए। We were dash for the train, हम लोग ट्रेन के लिए क्या है, We were in time for the train, in time का मतलब समय से, in connection with का मतलब होता है के संबंध में, किसी के रिलेशन में, के संबंध में, in course of का मतलब होता है के अधीन, किसी के अंतर्गत, in the hope of का मतलब होता है के आशा में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिए। ही इज सिंपल डैश ग्रीडी, वह साधारण तो है लेकिन क्या है, थोड़ी सी लालची टाइप का लड़का है, तो ही इज सिंपल यहाँ पे बट ग्रीडी, लेकिन लालची है इसलिए बट ग्रीडी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, he has to be assisted by me, इसका आपको एक्टिव चूज करना है, इसका एक्टिव कैसे बनाएंगे। अब देखो इस सेंटेंस में टू लगा हुआ है ना, तो टू वाला कहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे, आई हैव टू असिस्ट हिम। वैसे मैं आपको ग्रामर का वॉइस का वीडियो में बिल्कुल देने वाला हूँ, आप बिल्कुल वीडियो पे, अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
ही इज़ डैश टू बिगिन द वर्क, वह काम को शुरू करने के वह काम शुरू करने को है, तो ही इज़ अबाउट टू, ही इज़ अबाउट टू बिगिन द वर्क, वह काम को शुरू करने को है। सुरेश फादर आस्क्ड, सुरेश के पापा ने पूछा, नॉट टू ओपन, कहा क्या कहा, नॉट टू ओपन द डोर फॉर द स्ट्रेंजर, कि किसी कोई भी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। तो सुरेश के पापा ने किससे कहा, तो सुरेश से कहा, तो सुरेश एक लड़का है, तो उसके लिए सी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे नहीं, यहाँ पे सी का यूज़ होगा नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। सुरेश फादर्स आस्क्ड समवन, सुरेश के पापा ने किसी से कहा, नहीं होगा, एनी वन, कोई से भी कहा नहीं होगा। सुरेश फादर आस्क्ड हिम, सुरेश के पापा ने उससे कहा, हिम से कहा, हिम मतलब एक लड़के से कहा, सुरेश से कहा। 27, इन द विंटर, ठंड के मौसम में, द वैलीज आर, जो वैली होती है, घाटियाँ जो होती है, दैन द हिल टॉप्स, वह पहाड़ों की जो चोटी होती है उससे डैश हो जाती है। तो दैन लगा हुआ है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए यहाँ पे हमें कंपैरेटिव एडजेक्टिव चाहिए जो कि फॉगियर होगा। सर मोर फॉगियर क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो दो कंपैरेटिव डिग्री किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं किया जा सकते। जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं होंगे, उसी तरह से यहाँ पे भी दो कंपैरेटिव नहीं यूज होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर फॉगियर राइट हो जाएगा। इट इज़ ईजी डैश टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हियर, यहाँ से सिटी सेंटर जाना बहुत ईजी है। इट इज़ ईजी टू गेट टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हियर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नंबर 29, पीयूष बिहेव्स, पीयूष ऐसे बिहेव करता है, पीयूष का ऐसा नेचर हो गया है, पीयूष बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड टाइम्स एंड देयर फॉर नो बडी गेट्स डैश विथ हिम, पीयूष जो है वह ऐसे बिहेव कर रहा है वह समय समय पे, जैसे उसकी वजह से उसके पास लोग जाना, नो बडी गेट्स अलॉन्ग विथ हिम, कोई भी उसके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। अलॉन्ग का मतलब होता है के साथ, नो बडी गेट्स अलॉन्ग विथ हिम, कोई उसके साथ जाना पसंद नहीं करता है। रीता गॉट व्हाट सी वॉन्टेड, रीता को मिला, क्या मिला, जो वह चाहती थी। तो यहाँ पर आपको व्हाट सी वॉन्टेड, अभी क्वेश्चन में ये कुछ एरर है, वेट करो गाइस, मैं आपको जस्ट बताता हूँ। ओके, ये आपका क्वेश्चन टैग है, रीता गॉट व्हाट सी वांटेड, इसमें जो है आपका जो है यूज़ किया जाएगा, गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हम हमेशा टैग जो बनाते हैं वो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके बनाते हैं। अगर सेंटेंस इधर पॉजिटिव है तो हमें टैग बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब में नो नॉट लगाना पड़ेगा और सब्जेक्ट के बदले हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो डिडंट से यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन मैंने गलती लिखा है, इसे आप नज़रअंदाज कर दें, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स, वह वीकेंड्स पे काम करता है, तो वह वीकेंड्स पे काम करता है, इसको आपको इसका नेगेटिव चूज करना है कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कौन सा राइट होगा। तो देखो, ही वर्क्स ऑन वीकेंड, वर्क्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब भी आपको नेगेटिव बनाना होता है तो हम डू डज का यूज करते हैं, ही सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे आपका डज वाला राइट होगा, ही डज नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स आपका राइट होगा, ये सभी में कोई आपका राइट नहीं होने वाला है। व्हेन विल यू हैंड डैश द चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी, आप कब इस ऑफिस का चार्ज आप मुझे सौंपोगे, तो व्हेन विल यू हैंड इन, हैंड इन का मतलब होता है सौंप देना, यहां पे राइट आंसर इन होगा। डिड सी डैश हिम फॉर लंच, क्या हुआ लंच के लिए उसे बुला रही है, तो आपको मैंने बताया है डू लिखा रहे, डज लिखा रहे या डिड लिखा रहे, इस सभी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसके अलावा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डियर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे राइट आंसर बी हो जाएगा, डिड सी इनवाइट हिम फॉर लंच। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है, यहां पे गुड इवनिंग, हैव अ सीट, अभी जैसे बताना मैं आपको इनकरेक्ट नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट है, आई गॉट अ फ्री स्टूडेंटशिप, आई गॉट अ फ्री स्टूडेंटशिप, ये भी सही है, इट इज़ अ नाइस पोएम। यहाँ पे आपका रॉन्ग होगा, ही गेव मी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एक वैसा वर्ड होता है जो कि सिंगुलर होता है, इन्फॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जैसे इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, ये सब ऐसे कुछ वर्ड है जिनका प्लूरल कभी नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। वन मस्ट लाफ एंड बी हैप्पी बिकॉज लाइफ इज, बिकॉज लाइफ, बिकॉज लाइफ, लाइफ वॉट इज लाइफ, लाइफ डैश शॉर्ट, एक हर एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, क्योंकि जीवन क्या है, बहुत छोटा है, बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे आपको सही स्पेलिंग चूज करना है, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसे हमेशा अच्छी बुरी की समझ हो, उसे हम कॉन्साइंस कहते हैं। 37, रोहिणी डाइड डैश ऑफ कॉलरा, रोहिणी की जो है मृत्यु होती है किसकी वजह से होती है, कॉलरा की वजह से, तो जब भी किसी बीमारी सी की होती है वजह से तो ऑफ का हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यहां पे आपको इसको दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देना है, तो यहां पे देखो
ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट। वैसे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ऑप्शन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, ऐसा इसीलिए क्योंकि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, ऐसा हम बोलेंगे। वह गरीब है और ईमानदार है, ऐसा दोनों नहीं होगा। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट होना चाहिए। तो देखो बट ही इज़ ऑनेस्ट हम इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जब कॉम्बिनेशन होता है तो हम दोबारा फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का यूज़ हम नहीं करते, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। ही इज़ पुअर फोर का कोई आवश्यकता नहीं है, ही इज़ पुअर ऑफ, ही इज़ ऑनेस्ट, ये सारे सेंटेंसेज हमारे यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पीपुल डैश ड्राइव केयरफुली, लोगों को ध्यान से ड्राइव करना चाहिए अपनी कार वगैरह को। तो इसमें हम शुड का यूज़ करेंगे, शुड हम यूज़ करते हैं एडवाइस देने के लिए, लोगों को सलाह देने के लिए। राम सेज आई मस्ट डू इट, राम ने कहा मैं इसे अवश्य करूँगा। इसको आपको क्या चूज़ करना है, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, सेज जब भी यहाँ पे वी फाइव में आ जाता है रिपोर्टिंग वर्ब तो हम आगे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखो राम इज सेइंग गलत होगा, राम हैज सेड गलत होगा, राम सेज यही राइट होगा, डैट ही। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग राम है इसीलिए ही लिखेंगे। मस्ट का मस्ट डू इट, यहां पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ना कि यहां पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विल लिखा हुआ इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 तो हो चुका, 40 हो गया। नेक्स्ट 41, व्हाट आर दे लाफिंग, वह किस पे हंस रहे। तो लाफिंग एट होता है किसी पे हंसना, तो लाफिंग एट बोलेंगे हम लोग। ऑयल डैश ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरती है। तो देखो जब भी कोई ऐसी बात है जो साइंटिफिक भी हो, जो हमारी सैद्धांतिक बातें हो, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जिसे कोई झूठा नहीं कर सकता, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इट मीन्स वर्ब की पहली, ना तो वर्ब की पांचवी फॉर्म, ऑयल सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑयल फ्लॉट्स ऑन वाटर हो जाएगा। ऑयल के साथ फ्लॉट्स लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। दिस हैड का यूज करते हैं हम तब, उसके पास था, दिस हैड इसके पास है, दिस किसी निर्जीव के पास क्या रहेगा। ओरिजिनल बुक वाज दिस नहीं होगा, दिस वाज ए ओरिजिनल, ए नहीं होगा क्योंकि ओरिजिनल जो है एक वॉवेल का साउंड वर्ड देता है, और इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, दिस इज एन ओरिजिनल बुक। क्वेश्चन नंबर 44, डैश द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, क्या चीज, झूठ बोलना, सच बोलना मुश्किल होता, तो टेलिंग द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, क्यों, क्योंकि यहां पे एक सब्जेक्ट की आवश्यकता है और सब्जेक्ट या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन नहीं होगा, बट दोनों अगर नहीं होते तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जिसे हम जेरंड फॉर्मेट कहते हैं, उसे भी हम यूज करते हैं एक सब्जेक्ट की तरह। जैसे आपने ट्रांसलेशन बनाया होगा स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, उसी तरह का। ही हैज सीन डैश ताजमहल, उसने ताजमहल देख रखा है। तो अब इस सेंटेंस में ताजमहल एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, इसके पीछे हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना, फेवरेट का स्पेलिंग डी वाला राइट हो जाएगा। द बॉय एट ए लॉट, ये सभी सी के जगह पे ई के जगह पे सी टाइप कर रखा है। द बॉय एट अलॉट, लड़के ने बहुत खाया, इसका आपको चूज करना है, क्या चूज करना है, पैसिव वॉइस चूज करना है। अब इस सेंटेंस में देखोगे क्या सब ऑब्जेक्ट क्या है, अलॉट, तो अलॉट यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ एट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती तो पैसिव में वॉज वर्ड लगता है, तो वॉज भी लगा हुआ है। क्या खाता है, अलॉट वॉज, उसका हमें पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट का थर्ड फॉर्म ईटन, किसके उधर, द बाय द बॉय, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमारा। द सिनोनिम ऑफ लर्निंग, लर्निंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो लर्निंग का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नॉलेज, ज्ञान, सीखना, ज्ञान बराबर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ साउंड दैट कांट बी हियर्ड, वैसी आवाज़ जो हमें सुनाई ना दे उसे कहते हैं हम लोग इनऑडिबल, जो हमें सुनाई ना दे, जो सुनाई दे उसे ऑडिबल। ही वॉज टॉट इंग्लिश बाई मी, उसे पढ़ाया जाता इंग्लिश किसके द्वारा, मेरे द्वारा, इसका आपको चूज करना है, एक्टिव सेंटेंस चूज करना है। तो देखो बाई मी तो है यहाँ पे, तो आई तो आएगा ही, तो आई इसमें है इंग्लिश टीचिंग बाय मी, टीचिंग इंग्लिश, दोनों रॉन्ग होगा। आई टीचिंग तो नहीं होगा यहां पे, क्यों, क्योंकि टॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा गया है वाज के साथ, इसीलिए यहां भी हमारा राइट आंसर होगा आई टॉट हिम इंग्लिश। 51, द एंटोनिम ऑफ एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट का आपको जो है एंटोनिम यहाँ पे बताना, विपरीतार्थक। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है कुलीन वर्ग के लोग, जो बहुत ज़्यादा मतलब जो लोगों को अपने अंदर में रखते हैं, इसका सामान्य हिंदी हो जाएगा कॉमनर, जो सामान्य नॉर्मल लोग होते हैं, साधारण लोग, उसे कहते हैं। 52, आई हैव नो कॉन्फिडेंस डैश यू, मुझे तुम पे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस हिंदी में बोलूँ तो मैं भूल चुका हूँ, आई हैव नो कॉन्फिडेंस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बी राइट हो जाएगा, आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू।
लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जूट, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में जूट जो है लाए जाते फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम लग चुका है, फ्रॉम लग गया मतलब लाना जा, लाए जाते कहाँ से लाए जाते, तो बांग्लादेश से लाए जाते, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ जूट्स, तो यहाँ पे लाना, लाना का यहाँ पे होगा आर इम्पोर्टेड, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, यहाँ पे भेजना नहीं है इम्पोर्ट करना, क्योंकि फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है लाना, तो यहाँ पर आर इम्पोर्टेड फ्रॉम बांग्लादेश। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट देखो मीट, चिकन, फिश, ये तीनों एक नॉन वेज है, फ्रूट्स एक वेज है, इसीलिए फ्रूट्स यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। आई एम डैश ग्लैड टू सी यू, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ तुम्हें देखने से, तुमसे मिलने के बाद, तो आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। चिल्ड्रेन शुड डैश द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, चिल्ड्रेन को क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का, अपने एल्डर्स का एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। चिल्ड्रेन एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी इसको प्लूरल चाहिए, इसीलिए फॉलो यहाँ पे ये राइट होगा। डीने का मतलब होता है वंचित करना, मना कर देना, फॉलो सिंगुलर है, डिनाई सिंगुलर है, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। 57 आई डू नॉट एग्री डैश यू, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, तो आई डू नॉट एग्री विथ यू, डू डैश का भारू की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है एग्री, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 58 आई विल नॉट डैश माई प्रोग्राम, मैं अपने प्रोग्राम को नहीं रोकूंगा। आई विल नॉट स्टॉप माई प्रोग्राम, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, अल्टर मीट मिस चेंज करना ही होता है, और ये दोनों ऑप्शन सेम लिखा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज एज जेंटल, वह बहुत नेक है, किसकी तरह नेक है, तो आपने डव साबुन तो बिल्कुल देख रखा होगा, तो सी इज एज जेंटल एज ए डव, डव कितना मुलायम होता है ना, तो वो उतनी नेक है जितनी कि एक डव एक चिड़िया का नाम है उसका, आप इसे शॉप से मत कंपेयर करने लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 सूरज फाउंड पीस थ्रू योगा एंड, सूरज को मिलती है क्या, मिलती है शांति, मिलती है किस किस चीज़ से, योगा और मेडिटेशन से, योगा और मेडिटेशन ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। 61 यहाँ से आपकी बुक की क्वेश्चन स्टार्ट होती है, गाइस अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स इज, हमारी जो स्वराज, हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी चाहतों को गुणनफल में बढ़ाना नहीं, बल्कि हमारी चाहतों को रिस्ट्रिक्शन लगाना, रोकना, ये कहाँ की लिखी गई है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की ये लाइन लिखी गई है। 62 द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर डैश पेस, ये परिवार जो है बड़ा है और ये बढ़ रहा है कैसे, एट अ रेदर अ फास्ट पेस हो जाएगा। नानू काका रॉट अ चेक फॉर, नानू काका ने एक चेक लिखा कितने का, 1000 रुपये का, वो एक चेक लिखते हैं 1000 रुपीज़। नेक्स्ट 64 ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, हु इज ही इन द सेंटेंस, वह कुछ मंत्री से मिलना चाहते थे, यहाँ पे ही कौन है, तो ही कौन मंत्री से मिलना चाहते थे, तो नानू काका मिलना चाहते थे। 65 द होप्स ऑफ द निग्रो पॉपुलेशन वर फुलफिल्ड बाय द साइनिंग ऑफ द, जो निग्रो पीपल की जो ये जो आशा थी वो सोच रहे थे हमारी जो है ना, हम इस चीज़ को सिग्नेचर कर देंगे तो हमारी आशा पूरी हो जाएगी, और वह थी एमनिस्टिपेशन प्रोक्लेमनेशन, एक घोषणा पत्र था, सहमति पत्र जिस पे साइन करने से वो हो जाएगा। नेक्स्ट है रसेल्स, देखो ये सभी जगह जितने जगह ना सी ई है ना, सभी उसको सी बना रखा है। रसेल्स राइटिंग एम्फिसाइज, रसेल्स जो बर्टन रसेल हैं आइडियाज डेट ऑफ हेल्प मैन के, ये उनकी राइटिंग किस चीज़ के बारे में बताती है, तो पीस एंड लिबर्टी, स्वतंत्रता और शांति के बारे में। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज, जितने भी नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, जो आज की जो सोसाइटी है जिसमें पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक्सपेक्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट, अगर छोड़ दे तो उसमें कुछ ऐसे एक्सीडेंट जो हुआ करते हैं, बर्थ इज ऑलवेज, जो एक्सीडेंट होता है वो क्या होता है, पहले से प्री प्लान नहीं होता है, लेकिन बर्थ क्या होता है, वो प्री प्लान होता है, वो अटेंडेंट होता है, इसीलिए लोग जानते रहते, वो प्लान होते हैं, वो चाहेंगे तो लोग उसे अटेंड कर सकते हैं। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, बेंजी कितने साल में स्कूल छोड़ता है, तो 12 साल की उम्र में बेंजी स्कूल से निकल जाता है। डैश एज्यूम डैट रीडर्स कांट बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, कौन ऐसा मानते थे कि रीडर्स जो होता है ना उसे हर एक चीज को मानना पड़ेगा, यह हाउ फ्री इज द प्रेस का क्वेश्चन है, जो कि गांधी जी कहते थे कि मान लो जितना भी रीडर होता है सभी को यह समझना पड़ेगा कि जो भी बातें लिखी गई है न्यूज में वह सही मानो। चेकअप्स वर्क वर्क्स फॉर वर्क्स प्रेजेंट एंड एक्यूरेट पिक्चर ऑफ डैश ऑफ इस डे, एंटन चेकअप जो मैरिज प्रपोजल है वह कौन सी देश की बात करते हैं, तो वह रसिया से बिलोंग करते हैं। Hoping to see is not till death is taken from, ये जो है ना कहाँ से लाइन ली गई है, ये आपकी सॉन्ग ऑफ myself वॉल्ट विटमेन की द्वारा लिखी गई है। Who is the whispering neighbor, whispering neighbor किसे कहा गया है, whispering neighbor यहाँ पे जो है death को कहा गया, messenger of death जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे मृत्यु को विस्परिंग नाइवर कहा गया था। डैश हैज बिकम डम्प टू सी द लीफलेस वुड, कौन ऐसा है जो बहरा हो गया, गूंगा हो गया, किसको देख करके, तो लीफलेस वुड को देख करके, इसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। नाइटेंगल जो है यहाँ पे समाज के अच्छे लोगों की बात की जाती है। डैश इज अ मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट, हु फाइंड्स मेकाविटी लेजी, मेकाविटी को कौन लेजी पाता है, तो मेकाविटी के राइटर यहाँ पे कौन होते हैं, मैं भूल गया नाम, मेकाविटी डी एच लॉरेंस और
TS Eliot और TS Eliot होना चाहिए, TS Eliot मैकाविटी को जो है लेजी पाते हैं DH Lawrence स्नेक के हैं। KK Andaruballa इज अ डैश पोइट, KK Andaruballa इज एन इंडो एंग्लियन पोइट, KK Andaruballa का जन्म इंडिया में हुआ, बाद में वो जाकर के इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज रूपर्ट ब्रूक यूज द वर्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश इन हिज सोनेट, जो रूपर्ट ब्रूक हैं जो आपका द सोल्जर पोयम है उसमें उन्होंने सोनेट में कितनी बार ये इंग्लैंड या इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया, तो टोटल 6 बार उन्होंने इस चीज का प्रयोग किया है। मैकाविटी इज कॉल्ड, मैकाविटी को क्या कहा जाता है, तो हिडन पॉ कहा जाता है, छुपा रुस्तम, स्नेक्स मूव्ड अमंगस्ट बुक्स, आई वॉज देन टू यंग, सांप जो है घूम रही थी, किसके बीचों में घूम रही थी, ये इसे हटा देना आप, सांप घूम रही थी किताबों के बीच में, तब मैं बहुत युवा था, ये लाइन कहाँ का है, ये लाइन आपका लास्ट लेसन पोएट्री का माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखा गया। हु रॉट द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा है, कैंटरबरी टेल्स फादर ऑफ लिटरेचर, फादर ऑफ पोएट्री चौशर ने लिख रखा है। 20th century इंग्लिश पोएट्री इज सेंसिटिव टू, जो 20वीं शताब्दी की जो कविताएँ जो है वह ज़्यादातर किस चीज़ को वह दर्शाती है, तो वह ज़्यादातर आज के समय की जितनी भी पोएम्स है वह हमारी तरह से वह लव को ज़्यादा और इंगित करती है। नेक्स्ट द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग, वर्ड ड्रामा जो आया है वह कहाँ से आया है, तो एक ग्रीक शब्द से आया है और इसका थिंग्स डन, इसका मतलब होता है, ड्रामा शब्द का जो है मतलब होता है थिंग्स डन, जो चीज़ हो चुका है। 83 द हु रॉट वेनस एंड एडोनिस, किसने लिखा वेनस एंड एडोनिस ने, ये लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा। नंबर 84 बोथ द नेम ऑफ कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर डैश टू इंग्लिश, दोनों देश कंट्री का नाम इंग्लैंड और उनकी भाषा इंग्लिश, ये क्या है उनकी इंग्लिश की क्या है, नॉट नेटिव ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश की स्वदेशी नहीं है, ये जर्मन वासियों की है, इंग्लैंड की है, जो मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में करवाया है, आप उसे एक बार जरूर देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स इज टेकन फ्रॉम, कोई भी चीज़ हमारे पूर्वजों द्वारा बोई गई बीज का बराबर नहीं कर सकता, ये लाइन कहां से ली गई, ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ली गई है। नेक्स्ट 86 पर्ल एस्पर्क गिव्स, पर्ल एस्पर्क जो है हमें आइडिया देते हैं, किसके बारे में देते हैं, अ रियल पिक्चर ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल, पर्ल एस्पर्क जो इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आए, वो आती इंडिया में घूमने के लिए, तो किसके बारे में बताते हैं, भारत के बारे में और भारत के लोगों के बारे में वह लोगों को बताते हैं। सेबी टुक टू डैश आफ्टर गिविंग अप कलेक्टिंग कार्ड, सेबिंग जो जब उसे छुड़वा दिया गया वो लौकी को इकट्ठा करना, तो सेबी किस चीज़ में विलीन हो गया, तो सेबी विलीन हो गया था, लीन हो गया था पेंटिंग पिक्चर्स, पिक्चर को पेंट करने में वह लीन हो चुका था। ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन इन आई हैव ए ड्रीम रेफर टू, वह आई हैव ए ड्रीम में एक लाइन कहते हैं, सारे बच्चे जो हैं हम जितने भी लोग हैं, हम जितने प्राणी सब भगवान के बच्चे हैं, ये किसको कहते हैं, वो कहते हैं नीग्रोज को, कि हम सब भी एक भगवान के ही बच्चे हैं। द नेम ऑफ लोमोब्स डॉग, लोमोब एक कुत्ता था, लड़का गेस पेपर ज़्यादा पसंद पड़ता करता है पढ़ना, ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे गेस हो जाएगा। द अर्थ इज, अर्थ क्या, एक शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के जो राइटर है एचिविट्स वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। हु इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट सैट्रीज एंड एलर्जीज, कौन जाने जाते हैं songs and sonnets, satires and elegies, ये जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट ही जाने जाते हैं, satires and elegies के भी ये पोएट जाने जाते हैं। W.H. Auden won the Dash Prize, W.H. Auden won the Pulitzer Prize, यहाँ पे उनको Pulitzer Prize मिलता है 1948 में। ये सारा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें मुझसे जल्द, जितनी जल्दी हो सके मेरे WhatsApp पे, और आप जितनी जल्दी हो सके मुझसे पूछें कैसे आपको पढ़ना है। जॉन किट्स बिलोंग टू, जॉन किट का संबंध कौन से प्रांत से बिलोंग करते थे, तो जॉन किट बिलोंग करते थे ब्रिटेन से, UK से, इंग्लैंड से। द सोल्जर इज ए, सोल्जर कैसा है, सोल्जर इज सोनेट, सोल्जर इज सोनेट, सोल्जर इज अ वॉर पोएम, सोल्जर कैसा पोएम, वॉर पोएम है। मैकाविटी इज अ, मैकाविटी क्या रहती है, तो मैकाविटी जो है एक यहाँ पे कैट रहती है, एक बिल्ली रहती है। के अंदरुवल्ला वॉज अ डैश बाय रिलीजन, के अंदरुवल्ला वॉज अ पारसी, या इसी का आंसर जोरोस्त्रियन भी हो सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, के अंदरुवल्ला वॉज अ जोरोस्त्रियन। वाट हैज इंक्रीज द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश कैसी इतनी ज़्यादा महान हुई, तो बोरोइंग मतलब वो उधार ले लेके सभी से, वर्ड से, फ्रेंच से, फ्रेंच से, लैटिन से उधार वर्ल्ड लेके। और गाइस अब मैं एक ही बात कहूँगा आप सभी से, लाइक करना बिल्कुल मत भूलो और फ्रेंड से शेयर भी करो। अ पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय, अ पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है E.M. फॉरेस्टर के द्वारा। इन विच सेंचुरी डिड इंडियन इंग्लिश कम इन टू एक्सिस्टेंस, कौन सी शताब्दी में इंडियन इंग्लिश अस्तित्व में आई, 18वीं शताब्दी। एंड ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज हमारी नेटिव नहीं है, इंग्लिश नहीं है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।